हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये वीडियो आप लोग स्किप कर सकते हो अगर आप लोग इस सवाल का जवाब दे सकते हो कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस और इन ए क्लोज्ड पाथ। अगर आप लोग इस सवाल का जवाब जानते हो तो आप लोग बिंदास से वीडियो स्किप कर सकते हो, और अगर नहीं जानते हो तो वीडियो के अंत तक अगर आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखते हो तो पता चल जाएंगे, है ना। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टॉपिक में से 1 मार्क का क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन और 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, जो पहला पॉइंट आप लोग लिख सकते हो वो है कि वर्क डन बाय और अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन, यानी कि देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वो फोर्स अगर कोई वर्क डन करता है तो वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट होता है। यानी कि मैं अगर कहूँ, जैसे कि मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स है ना, यहाँ पर एक मैग्नेट है और यहाँ पर भी एक मैग्नेट है, तो इन दोनों का सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी कि मैं अगर बहुत दूर रख दूँ तो ये अट्रैक्ट नहीं होता है, और अगर मैं बहुत ही पास रख दूँ तब ये अट्रैक्ट होता है। यानी कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर अगर कोई फोर्स डिपेंड करता है तो उसे हम लोग कहते हैं वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। और जो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो इनिशियल और फाइनल नहीं, वो सिर्फ पाथ को फॉलो करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स है ना, अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस है और मैं इस पेन को क्या कर सकता हूँ, या क्या करना चाहता हूँ, इस पेन को मैं ऐसे मूव करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, कितना देर तक मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ, है कितना वर्क डन कर रहा हूँ, वो डिपेंड करता है और कैसे लगा रहा हूँ, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है वो पाथ का बात आते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंडेंट है। मान लीजिए ऐसा है, आप लोग शायद देख रहे हो कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, घूमकर तो मुझे यही आना पड़ता है, तो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से फिर से आ गया, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, मतलब वर्क डन वो कितना होगा, जीरो होगा। और यहाँ पर तो कोई ऐसा कंडीशन है ही नहीं कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल, तो यहाँ पर वर्क डन जो है वो जीरो नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहाँ पे लिए विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिलेशन है, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है ना, ये प्रूफ करने के लिए भी दिया जाता है, और इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए, कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।